उत्तराखंड में निर्वाचक नामावली जारी कर दी गई है। आगामी 8 दिसंबर तक दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को सभी ऑब्जर्वेशन का निस्तारण किया जाएगा और 5 जनवरी 2023 को फाइनल निर्वाचक नामावली को प्रकाशित किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा और संशोधित करवा सकते हैं। इसके लिए राज्य में 9 नवम्बर से 8 दिसंबर तक नए वोटर कार्ड बनवाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने नजदीकी बूथ पर BLO और तहसीलदार, SDM, CGO के पास जाकर या गवर्नमेंट की साइट पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। नए वोटर जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि राज्य में 11,647 पोलिंग बूथ हैं जिन पर नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं जिन बूथों पर मतदाताओं को नाम दर्ज कराने या संशोधन कराने में परेशानी हो रही है, तो वह निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1800-33-00-1950 पर शिकायत कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि 18 साल की उम्र पार करने वाले हर मतदाता को लोकतंत्र का पर्व मनाने का अवसर मिले। 1647 पोलिंग बूथ्स है, उसको रैशनलाइजेशन का एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया के बाद जो है अभी 11,574 हुआ था एक प्रक्रिया, मगर उसको अभी हमने इंप्लीमेंट इसलिए नहीं किया है। अभी 4 राज्यों में, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों पे एक पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। उसमें क्या है कि ERO नेट करके एक पोर्टल है जिसके माध्यम से एंटायर ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रियाएं होती है वो ERO नेट का सेकंड वर्जन लॉन्च